नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? और आप लोग अच्छे ही होंगे आशा करते हैं। और ये मैंने सूजी का हलवा बनाया था और मैं खा चुकी हूँ। मैंने और बिट्टू खा रही हैं, इनके पापा का भी रखा है और सब लोग खा लिए हैं। तो आज हमारे बाबू का जन्मदिन है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे बाबू को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। 17 जनवरी को मेरे बाबू का जन्मदिन होता है और ये वीडियो कब जाएगी मुझे भी नहीं पता, पर आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ। आज 18 तारीख है, क्योंकि कल रात में थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और वीडियो में बने रहिए, देखिए क्या हुआ क्या नहीं, सब कुछ देखिएगा, वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। और ये दोपहर का टाइम है, हम लोग हो खाना जाओ खा रहे उधर, थे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चले गए हैं धूप में टहलने के पापा को लिए। भी इधर कर लो, घर दोनों के लोग का आगे फोटो हमारे खींच दे। खेत है तो वहाँ पे हम लोग टहलने चले गए थे। और देह कुरकुर हो रुक जाओ, जाता है, देहात में कहते हैं देह कुरकुर हो जाता है। ये देखिए सरसों के पीले पीले फूल कितने प्यारे लग रहे हैं ना, और कितनी खूबसूरत लग रही है हरी भरी जगह, पीले पीले फूल। और मन को मोह लेता है इस समय जो है, इस समय का जो है खेतों का लोकेशन जो होता है। इधर साइड में देखिए गेहूं बोए गए हैं और बिट्टू अपने पापा के साथ टहल रही है, मैं पीछे पीछे हूँ। और बिट्टू आप आज अपना मनपसंद कपड़ा पहनी है और बोली मम्मी मैं होली वाला कपड़ा पहनूंगी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा ठीक है बेटा, और ये मैं हूँ अपने आप को दिखा रही हूँ, पीछे पीछे उन लोगों के टहल रही हूँ। और बस आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस ज़माने में कोई किसी को जो है प्यार नहीं देता, खासकर अगर वो घर का हो। मेरे लिए मतलब ये सही बैठता है, क्योंकि मैंने जो ज़िंदगी में दुख उठाए हैं, तकलीफ़ें उठाई हैं, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मेरी नज़र पड़ गई पीछे, जो मैं विक्स लगाती हूँ और मेरे हस्बैंड का इनहेलर वाला सीसी रखा है। और आज हमारे हस्बैंड की जो है तबीयत डाउन हो गई है और आज हमारे बाबू का बर्थडे है। आज दिन है संडे, 17 तारीख, 17 जनवरी, और 17 जनवरी को मेरे बाबू का बर्थडे होता है। तो मैं भी खुश हूँ, बिट्टू भी खुश हैं, बाबू भी खुश हैं, हस्बैंड भी खुश हैं, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब है तो इस वजह से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हस्बैंड मेरे यहाँ पे लेटे हैं बहुत देर से, देखो आप लोग। और जब घर में कोई एक बंदा बीमार होता है तो अच्छा ही नहीं लगता है। और बाबू को मैंने पैंट शर्ट दिया है, ये रेड कलर का शर्ट है, उसने खुद पसंद किया था, और जीन्स मैंने उसको दिलवाया है और एक जूता दिलवाया है। ज़्यादा महंगा तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन 1200 में सारे सामान उनके आ गए थे। और सॉक्स दिलवाए हैं मैंने, उसके पास जो नहीं था उसने जो जो बोला मैंने दिलवा दिया, क्योंकि ये बच्चों का दिन होता है, जिसका जन्मदिन होता है उसका दिन होता है। तो जो मेरे बजट में था, जितना मैं कर सकी अपने बेटे के लिए मैंने किया है। उससे अभी मैंने पूछा ही भी है, बाबू के एक मंगवा दिखाओगे? तो बोला मम्मी रहने दो ना मंगवाओ। और मेरा बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों मुझे आज अजीब तरह लग रहा है। और अभी मैं जस्ट बीमारी से उठी हूँ तो उतना ज़्यादा कुछ करने का मेरा मन भी नहीं होता, मुझे अस्कत बहुत ज़्यादा लगती है, आलस बहुत ज़्यादा लग रहा है और बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। थोड़ा सा काम कर रही हूँ, बहुत जल्दी थक जा रही हूँ, पर भगवान की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं पहले से बहुत अच्छी हूँ। और इसके लिए मैं आप लोगों का भी धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, और जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती, उतना ज़्यादा आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है। तो इसी तरह प्यार देते रहिएगा और अपनापन देते रहिएगा। और जिन बहनों को मेरी हेल्प चाहिए या सपोर्ट चाहिए, वो अपना नाम बोल देंगी, मैं ज़रूर उनका नाम लिया करूँगी। एक हफ्ते में एक वीडियो मैं डालूँगी जिसमें मैं सबका नाम ही लूँगी। तो जिसको भी अपने चैनल का नाम बुलवाना होगा आप लोग बता दीजिएगा, मैं ज़रूर बोलूँगी और सपोर्ट भी करूँगी, और धीरे धीरे कम्युनिटी में भी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़ो। यूट्यूब पे स्ट्रगल करना बहुत ख़राब होता है, बहुत बुरा होता है, लेकिन स्ट्रगल के दिन कभी भूले नहीं भुलाते हैं। अगर हम लोग सक्सेस भी हो जाते हैं ना, तो दिन कभी भूलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वही ऐसे दिन होते हैं जब जब हम अच्छे लोगों और बुरे लोगों की हमें परख होती है यूट्यूब पे। यूट्यूब की दुनिया अलग होती है, हमारी निजी पर्सनल दुनिया अलग होती है,
क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे ऐसे फ्रेंड हमें मिलते हैं, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको ना हम जानते हैं ना पहचानते हैं। कभी कभी कोई कोई धीरे धीरे दोस्त बन जाता है, कोई दुश्मन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे किसी से लड़ाई झगड़ा या कुछ भी नहीं करना है, और आप लोगों से गुजारिश करती हूँ सब लोग मेरे फ्रेंड ही बनना, मुझे दुश्मन यहाँ पे नहीं बनाना है। क्योंकि निजी ज़िंदगी में मैंने बहुत दुख उठाए हैं, दुख झेला भी है, और आप लोगों की बदौलत अब सुखी हो रही हूँ। धीरे धीरे सब कुछ मेरा अच्छा हो रहा है, कंडीशन मेरी अच्छी हो रही है। इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा। क्या सूट कर पाती हूँ, क्या नहीं कर पाती हूँ, क्या मैं खाने में बनाती हूँ, वो भी आप लोग देखिएगा। और मैंने हलवा बनाया था और थोड़ा सा क्लिप मैंने वो भी शूट किया था। सुबह सुबह मैंने हलवा नाश्ते में बना दिया था, मैंने कहा चलो मीठा हो जाए, शुभ दिन है तो मीठा हो गया। देखिए शाम के खाने में क्या बनाती हूँ, ऐसे कुछ सोचा भी नहीं है मैंने, क्योंकि दवा में मेरे ज़्यादा पैसे लग रहे हैं और कब तक चलेगा मुझे नहीं पता। और बिट्टू की भी दवा चल रही है, बिट्टू की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी तो उनकी दवा चल रही है, दो लोग की दवा चल रही है, तो इस वजह से थोड़ा हाथ ढीला हो गया इस वजह इस समय। लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। और जो मेरी बहनें डीमोटिवेट हो रही हैं उनसे मैं यही कहूँगी, सिस्टर जिस दिन मैं उस लायक हो गई ना कि आप लोगों की मैं हेल्प करूँगी, तो मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी और कम्युनिटी में भी वीडियो शेयर करा करूँगी। आप लोग को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सबके नाम याद हो जाते हैं, मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ तभी हार्ड देती हूँ, जवाब देती हूँ, और मैं सबके कमेंट का जवाब देती हूँ। सबको मैं अपना मानती हूँ, आप लोग मुझे अपना मानते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मेरे यूट्यूब पे मुझसे जुड़े जो मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं, मान सम्मान देते हैं, तो इसलिए खुशी होती है दिल में कि चलो कुछ लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, मान सम्मान देते हैं, इससे बढ़ के मेरे लिए क्या हो सकता है। वीडियो को आगे देखना, एंजॉय करना आप लोग। और मैंने इनके पापा को भेजा था, कहा थोड़ा सामान ले आओ, तो बाबू के लिए चॉकलेट लाए थे और पनीर मैंने मंगवाया है और पेस्ट्री मंगवाया है दो, और आधा किलो दूध मंगवाया है, क्योंकि गाय मेरी अब लगती नहीं है, 2 महीने से नवंबर से ही नहीं लगती है, वो वैसी ही है गाय मेरी, पेट में बच्चा है उसके। तो बस वही अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, शाम का टाइम हो गया, तो बिट्टू अपना खाना मतलब खाने में लगी हैं पेस्ट्री को, और ये अपने पसंद से पेस्ट्री लाई है। देखिए 2 पेस्ट्री मैंने मंगवाया था, क्योंकि इस समय मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है और किसी तरीके से मैंने मंगवाया है बच्चे की खुशी के लिए, नहीं तो मैं केक ही मंगवाती, पर इस समय कंडीशन हमारी ज़्यादा ख़राब हो गई है मेरी दवा की वजह से, और हमारे जो है दवा में बहुत ज़्यादा पैसा लग गया। मेरी भी दवा चल रही है, बिट्टू की भी दवा चल रही है, बिट्टू को कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो उनकी दवा 3 महीने तक फिर चलेगी, और इन्फेक्शन उनको हो गया था तो इस वजह से उनको दवा चलेगी। वो दांत में बहुत ज़्यादा दांत से पिटाती है, उसको कैल्शियम की कमी हो गई है, मल्टी विटामिन की बहुत सारी दवाइयाँ उसको डॉक्टर ने दी हैं, तो उसका दवा भी ज़रूरी है, मेरा भी है, तो इसलिए ये चलाना पड़ेगा नया है। इस समय रहते हैं काम करते जल हैं जाएगा, तो तबीयत मेरी डाउन हो गई थी शाम को, क्योंकि ठंडक हद से ज़्यादा है, पुराना चावल नहीं चला। मेरे हस्बैंड बोले कि चलो तुम हमारी वीडियो में लाइटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए आप लोग। और जैसे ही कुछ हमारी ज़िंदगी में अच्छा होता है तो सब कुछ हम भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अभी तो सब कुछ खराब ही खराब है, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा है और होगा भी, मुझे विश्वास है आप लोग सपोर्ट करोगे हमें और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बस बिल्कुल भी अपना देख रही हैं पापा कैसे इनके बना रहे हैं, और देखिए एक तरफ खीर हो रहा है, दूसरी तरफ जो है सब्जी बन रही है, तभी पनीर फ्राई हो रहा, तो एक बोले चलो तुम जो है प्याज टमाटर काट दो, और वो बाहर गए हैं, खड़े हैं वैसे देख रहे हैं कितना ज़्यादा कोहरा है, तो वो अपना इधर उधर घूम रहे हैं बना रहे हैं, और मैं भी अपनी तैयारी करने में लगी हूँ। दो लोग जब काम करते हैं तो काम जल्दी से हो जाता है, और फिर मसाले मैंने नहीं निकाले थे मसालेदान में से, तो मैंने बोले मसाले निकाल दो, तो मैं वही मसाले निकालने लगी, और ये मुझसे बातें कर रहे हैं, मैं भी उनसे बातें कर रही हूँ, बातें करते करते हम लोगों ने खाना भी बना लिया। और देखिए इन्होंने पनीर फ्राई किया है, आलू भी फ्राई किया है, और ये देखिए 2-4 आलू रह गए थे तेल में तो उनको निकाल रहे हैं,
और तेल ज़्यादा तो मैंने बोला इनसे तेल भी निकाल दो, नहीं तो ज़्यादा तेल हो जाएगा सब्ज़ी में। मैं थोड़े ही मतलब तेल में सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि जो है क्या कहते हैं हमारे वहाँ तेल तो ख़रीद के आता है ना, इस वजह से बड़ी किफ़ायत से हम लोग चलते हैं। तो इन्होंने पहले हींग डाला था, जीरा डाला था, तेज पत्ता डाला है और 3-4 जो है सूखा मिर्चा डाला। ये दूसरे तरह से सब्ज़ी बनाते हैं, मैं दूसरे तरह से बनाती हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। तो ये अपने तरीके से बना रहे हैं और मेरा खीर हो गया। मैंने दूसरे तरफ चावल रख दिया है और उसके बाद इन्होंने इसमें प्याज डाला है। और प्याज देखिए ब्राउन अप हो गया था, तो उसके बाद इसमें इन्होंने मसाला मिला दिया है, जो रोज़मर्रा के मसाले होते हैं वही जो है इन्होंने मिलाया है। और बहुत अच्छा हस्बैंड मेरे खाना बनाते हैं, मुझसे भी अच्छा बनाते हैं, ये तो कहने की सच्ची में बात है। और सब चीज़ बनाना आता है इसलिए इतना चिल्लाते हैं। और ये पहले खाना बना चुके हैं, जब इनकी मम्मी बीमार हुआ करती थी तो ये घर पे खाना वाना बनाते थे, ज़्यादा काम कर देते थे। दोनों भाई को खाना बनाने आता है, मेरे देवर को भी, मेरे हस्बैंड को भी बनाने आता है। तो देखिए इन्होंने फ्राई किया, वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और मटर है, पनीर है, आलू है और ये मेरा चावल हो गया, खीर हो चुका है और मैंने आटा भी गूंद लिया, आप लोग देख लो, बर्तन भी रखा हुआ। ये देखिए खीर बनाया है मैंने, इसमें जो दिख रहा है ना वो इलायची है, मैंने इलायची भी इसमें डाल दिया, क्योंकि इलायची डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खीर का और बहुत अच्छा लगता है खाने में भी, और खीर महकता भी है। तो हमारा मसाला जो है पक चुका था, तो उन्होंने इसमें सब्ज़ी मिलाया है और उसके बाद काफ़ी अच्छे से इन्होंने उसको मिला दिया। और मैंने कहा कि सरसी से न उठाओ, इस बर्तन में जो है सरसी फिसलता है, 2 बार मुझसे भी पानी गिर चुका है, 3-4 बार मेरी देवरानी से भी गिर चुका, तो हम लोग जानते हैं कि इस बर्तन में सरसी नहीं फंसती है। ये भी उठा रहे थे तो फिसल रहा था, तो इन्होंने फिर कपड़े से मतलब उठाया और उसमें डाला। दोस्तों नमस्कार, क्योंकि सुबह का टाइम हो गया है। और गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल मेरी थोड़ी सी तबीयत फिर ख़राब हो गई थी, इसलिए खाना बनाते वक्त ही मैंने वीडियो को बंद कर दिया था, कुछ शूट ही नहीं कर पाई, इसके लिए माफ़ करना। और कुछ भी नहीं, मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं मंगवाया था, क्योंकि मंगवाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं जो मेरे पास नहीं थे, और मैं इसलिए नहीं मंगवा पाई। जो मेरे बस में था मैंने कर दिया बाबू के लिए। और बनाया था मैंने, चावल बनाया था, खीर बनाया था और रोटी बनाया था और आलू मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। बस मेरे जो बजट में था मैंने कर दिया और बाबू उसी में मेरा संतुष्ट हो गया, तो मैं भी संतुष्ट हो गई और वो बहुत खुश था। उसके फ्रेंड आए थे खाना खाने के लिए और घर वाले भी पूरा खाना खाए थे, तो बस मैं भी उसी में खुश हो गई। और देखते हैं कब अच्छा अच्छा सब कुछ हमारे साथ होता है। जब सब कुछ अच्छा अच्छा होगा और हमें भी बहुत खुशी होगी, मैं भी अपने बच्चों को बाहर ले जाऊँगी घुमाने टहलाने के लिए और अच्छा अच्छा उसके लिए गिफ्ट दूँगी। अरमान है, अभी दिल में है, देखिए कब बाहर निकलते हैं, कब भगवान उस लायक हमें करते हैं। और आज मैंने हेयर वॉश किया है, देख लो आप लोग, क्योंकि जो है बाल मेरे करीब धीरे धीरे 1 हफ्ता हो जा रहे थे, मैंने बाल धोया ही नहीं था, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने बाल नहीं धोया था, वैसे ही बाल मेरे थे। बालों में 2 बार तेल भी लग चुका था, 1 बार बेटी ने लगाया था, 1 बार बाबू ने लगाया था। चंपियों पे मेरे बच्चे कर देते हैं, सर भी दबा देते हैं, तो इस वजह से। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे बाबू को आप लोग ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, ताकि वो भी खुश हों इस वीडियो को देख के। और ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए है, उसकी खुशी के लिए है। और आप लोगों से मैं मांगती हूँ उसकी खुशी आशीर्वाद के रूप में आप लोग दीजिएगा, और वो भी कमेंट पढ़ेगा, उसको भी खुशी होगी। मेरे बाबू को ऐसे तो वीडियो में आता ही नहीं है, शर्माता है, कहता मैं नहीं आऊँगा। शर्माता बहुत ज़्यादा है बेटा मेरा, और वो स्कूल गया है, उसका स्कूल चल रहा है, 3 घंटा पर डे चलता है, तो स्कूल गया है। और मैं लेटी हूँ अभी नाश्ता पानी करके, और अभी जो है खाना नहीं खाया मैंने, अभी खाऊंगी खाना। तो मैंने कहा चलो वीडियो का एंड कर देते हैं, अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ मैं। और अभी उतना हमारा बजट अच्छा नहीं हो पा रहा कि मैं अच्छी अच्छी रेसिपी दिखाऊं या और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊं, तो उस बात का मुझे दुख भी रहता है। लेकिन वीडियो अगर वीडियो में कोई कमी रहती हो तो उसके लिए आप लोग माफ़ करना।
मैं भी कोशिश कर रही हूँ अच्छी अच्छी रेसिपी दिखाने की, अच्छी अच्छी चीज़ें बताने की, और जल्द ही वो चीज़ सब कुछ होगा मेरे साथ, अच्छा होगा। आप लोग को भी मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ और क्या मतलब मेरी ज़िंदगी में अच्छा होने वाला है, सब आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आप लोग मेरे परिवार हो, आप लोग के साथ नहीं शेयर करूंगी किसके साथ शेयर करूंगी। तो बस वीडियो को एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और प्लीज़ सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करके। तो आप लोग वीडियो शेयर करते हैं, मैं भी मोटिवेट होती हूँ, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तब भी मोटिवेट होती हूँ। और मेरी लिपस्टिक कैसी लग रही है आप लोग बताना न्यूड लिपस्टिक है, अच्छी लग रही है कि नहीं बताइएगा ज़रूर। और तबीयत तो मेरी अच्छी है, लेकिन रात में कुछ डाउन हो गई थी, काम ज़्यादा पड़ जाता है ना तो तबीयत डाउन हो गई थी इस वजह से। और अभी मेरे बाल गीले गीले हैं, अभी सूखे नहीं है, देखो आप लोग सूखे नहीं हैं बाल मेरे। ये बालों से तो मैं अक्सर परेशान हो जाती हूँ ठंडक में, क्योंकि मेरे बाल जल्दी सूखते ही नहीं हैं, गीले ज़्यादा टाइम तक रहते हैं तो सर में भी दिक्कत होने लगती है। और ठंडक में जो है बाल धोना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए। बाय बाय।